हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन कर्ची से कलम तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक टॉपिक का करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल क्वेश्चन दोनों को साथ कवर कराऊंगी। 20 मिनट की वीडियो है, लेकिन 20 मिनट की वीडियो में आपको 98% की गारंटी की इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए। और इसका टॉपिक, आज का टॉपिक है रेलवे, यानी कि रेलवे परिवहन के रेलवे सेक्शन से अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 15 साल में, उन सारे क्वेश्चंस को कवर कराते हुए इस बार के करंट अफेयर्स यानी वार्षिकांक में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों को साथ कवर करेंगे। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, आपका पूरा रेलवे टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जरूरी ये वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके कोई भी एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो 20 मिनट की वीडियो में आपका पूरा एक टॉपिक रिवीजन होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसी तरह से मैं एक एक टॉपिक करके आप लोगों का सारा ट्रेडिशनल और करंट अफेयर्स के साथ कवर कराऊंगी 20 से 25 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रेलवे टॉपिक पे, करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल क्वेश्चन। तो रेलवे से जुड़े क्वेश्चन सीरीज में ये एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट में मैं दोनों चीजें शेयर कर रही हूँ इसमें आपके साथ, करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल क्वेश्चन में भी जो इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स में भी जो इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो रेलवे से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि इसी के थ्रू आपका सारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रेन 18 क्या है। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को कंटिन्यू पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जिनने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं, ट्रेन 18 या वंदे मातरम वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दिल्ली से बनारस के बीच चलने वाली भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन बनी है। तो तीन क्वेश्चन हुए, एक तो ट्रेन 18 इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, कहां से कहां तक, दिल्ली और बनारस के बीच चलने वाली, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी बनी है। ये हो गया ट्रेन 18। नोट डाउन करते जाइएगा तो अच्छा होगा आपके लिए, वरना ये वीडियो आप बार बार देख करके चीजों को याद भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी मैं करंट अफेयर्स का बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे एक साल का। देश की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो आपको ऑप्शन दिया जाए और आप कंफ्यूज ना, इसलिए सीधे आंसर ही बता देती हूं मैं आपको, कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम तक, ये है देश की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग। ये स्टेशन होगा बलरामपुरम रेलवे स्टेशन, बलरामपुरम। तो इससे रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं, तो मैं इसको आगे वीडियो में कवर करवाऊंगी, रेलवे सुरंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कई बार रेलवे सुरंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो ये इसी वीडियो में आगे में आपको मिल जाएगा, रेलवे सुरंग से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम लोग करंट अफेयर्स का सेक्शन कवर कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने एक नया जोन स्थापित करने की घोषणा की है जिसका मुख्यालय कहाँ होगा। यहाँ दो क्वेश्चन है, एक तो नया रेलवे जोन कौन सा है और उसका मुख्यालय कहाँ होगा। तो रेलवे जोन है SCOR यानी साउथ कोस्ट रेलवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आप लोग अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। SCOR साउथ कोस्ट रेलवे है, और ये नया जोन स्थापित करने की घोषणा हुई है जिसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप खुद ही समझ रहे होंगे जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे जोन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रेलवे जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं एक अलग उसमें कवर करवाऊंगी जिसमें आपके सारे जोन कोडिंग के साथ याद करेंगे। पर रेलवे जोन के अलावा उससे रिलेटेड और भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको मैं आगे आप लोग को बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, रेलवे जोन से रिलेटेड टोटल कितने जोन हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में जब रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, रेल दृष्टि डैशबोर्ड ये एक लॉन्च किया गया है, ये किस चीज के लिए है। तो ये है भारतीय रेलवे में डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। डिजिटलीकरण मतलब कि सब कुछ कंप्यूटराइज होगा, उसके लिए रेल दृष्टि डैशबोर्ड। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के
कौन से स्टेशन को पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ग्रीन गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया? ग्रीन गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है, तो कौन सा वो है रेलवे स्टेशन? तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो इसमें आपसे घुमा करके दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ग्रीन गोल्ड रेटिंग क्या है। क्वेश्चंस को हमेशा हर एंगल से सोचिए, क्योंकि आप जस्ट एक ही एंगल से अगर आप उसको याद करते हो और एग्जाम में अगर एंगल चेंज करता है तो कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो हर क्वेश्चन के कई एंगल्स होते हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। जैसे ग्रीन गोल्ड रेटिंग क्या है, तो ग्रीन गोल्ड रेटिंग क्या है, किसी भी रेलवे स्टेशन को पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण दिया जाता है। कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया? तिरुपति। तो ये 5 क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लिया आपने। अब मैं आगे बताती हूँ आपको, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे फिर ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में फेमस होती हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन वहीं से निकाले जाते हैं। जैसे कि रेलवे जोन इस बार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रेलवे जोन को अच्छे से याद कर लीजिएगा मैपिंग के थ्रू। चलिए अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है ई एस सिन कांसेन, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको, सिन कांसे प्रौद्योगिकी। ये एक प्रौद्योगिकी है, क्या है ये? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन में दुर्घटनाएं 0 स्तर पे हों उसके लिए प्रसिद्ध जापान की ईएस शिनकानसेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। अब बुलेट ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि NHRCL क्या है, NH, ये कुछ साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बनाया गया बुलेट ट्रेन के लिए। इसके अलावा बुलेट ट्रेन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको आगे कवर कराऊंगी, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, बीच में आप उसको स्वैप मत कर जाइएगा, नहीं तो फिर उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोच निर्माता कंपनी विश्व की कौन सी बनी है? तो भारतीय रेलवे का मेक इन इंडिया, अब आपके लिए इस बार मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मेक इन इंडिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय रेलवे का मेक इन इंडिया कार्यक्रम का विशेष प्रभाव पड़ा, जिससे कि ICF कंपनी ने 60,000वां कोच का निर्माण किया। टोटल कितने कोच? 60,000 कोच के निर्माण करके विश्व की सबसे बड़ी कोच निर्माता कंपनी बनी है ICF, ये मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8वां क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय। इसमें अभी एडमिशन शुरू हो चुका है 2019-20 का, पर ये भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है। 9वां क्वेश्चन, भारत में पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसका नाम आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, तेजस एक्सप्रेस। एक तो ये है तेजस एक्सप्रेस के बारे में, पहला निजी क्षेत्र की ट्रेन है। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से लखनऊ। तीसरा क्वेश्चन है, कब चलाया गया? 4 अक्टूबर को। और ये प्राइवेटाइजेशन वाली ट्रेन है, तो पता ही चल गया आपको, तो ये तेजस एक्सप्रेस इस बार इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे परामर्श लिया है, किस लिए? क्योंकि इससे जो है मैंग्रोव वन काटे जा रहे थे। तो कौन सा है ये बुलेट ट्रेन परियोजना? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। तो ये 6-5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं, एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं जो आपके लिए हो सकते हैं इस साल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। वैसे तो ये 10 क्वेश्चन को मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखा है, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिए। और कोई चीज़ें होती है ना कि सुनते सुनते वो चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आपको भी सुनते सुनते ये चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए वीडियोस देखने के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 शीर्ष रैंकिंग वाले रेलवे स्टेशन कौन से हैं? तो ये है जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुर। ये हो गए आपके स्वच्छता सर्वेक्षण में होने वाले 3 शीर्ष 3 है ये। इसके बाद हरित रेलवे,
हरित रेलवे का क्या है कि रेल मंत्रालय ने रेलवे नेटवर्क का पूरी तरह से विद्युतीकरण करने के लिए भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में बदलने का एक वो शुरुआत की, जिसमें DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग यूनाइटेड किंगडम के साथ हस्ताक्षर किया गया है, यूके के साथ, ठीक है। इट राइट स्टेशन ये क्या है, वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल स्टेशन को फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा 4-स्टार रेटिंग के साथ इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट सम्मानित किया गया। तो कौन सा रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो इसलिए इस बार का इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। इससे क्या होगा ना, आपको खुद ही फॉरवर्ड लिंक पे क्या क्वेश्चन ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको खुद खोजने की आदत पड़ जाएगी। जैसे ही इट राइट स्टेशन आपने पढ़ा और आपको पता चला कि वेस्टर्न रेलवे को मिला है, तो आपको तुरंत उसका मुख्यालय पता होना चाहिए, क्योंकि मुख्यालय से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेल मंत्री कौन है, ये पीयूष गोयल है, ठीक। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन बता दिए, और एक थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट, हल्का सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, कि रेल मंत्रालय ने ट्रेनों से अतिरिक्त जनरेटर हटाने की घोषणा की है। तो अतिरिक्त जनरेटर हटाने से क्या हो जाएगा, तो 20,000 सीट और बढ़ जाएगी, इससे रेलवे को 800 करोड़ का प्रति वर्ष मुनाफा होगा। तो टोटल आपके करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, 15। अब इन 15 क्वेश्चन से लिंक्ड करके हम लोग ट्रेडिशनल क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, इसमें आपका कोई समय नहीं जाने वाला है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो यूजफुल लगी है कि नहीं लगी है। अगर अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। सबसे पहले रेल परिवहन से रिलेटेड फटाफट से ये रिवीजन करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन ट्रेडिशनल्स को पढ़ चुके होंगे, तो एक स्पीड में रिवीजन कर लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको उनके लिए भी आसानी होगी। तो सबसे पहले भारत में किसने सबसे पहले किया था रेलवे का, डलहौजी ने। बहुत सारी चीजें मैं लिखूंगी नहीं, बस आपको रिवीजन कराऊंगी, कब किया था, 1853 ईस्वी में, और कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं, ये तो बस हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग पैसे बता रही, पर आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1854 में कोलकाता और रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज तक, और 1856 में चेन्नई से आरकोमन तक ये यात्रा हुई। भारत में 1871 में 1871 तक कहाँ कहाँ हो चुका था, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के प्रेसिडेंसी नगर में रेल लाइन से ये तीनों जुड़ चुकी थी, ठीक। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कितने इसके वो है पटरियों की चौड़ाई के हिसाब से तीन भाग में बांटा गया, एक होता है मीटर गेज, ये इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। इसमें दोनों पटरी के बीच कितनी चौड़ाई होती है, 1 मीटर। दूसरा होता है चौड़ी या बड़ी लाइन, इसमें कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, 1.676 मीटर यानी 1676। और तीसरी जो होती है वो छोटी लाइन होती है, तो छोटी लाइन का होता है 762 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, बट एक्चुअली में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा ट्रेडिशनल क्वेश्चन में। ये जो मैं वही क्वेश्चंस बता रही हूँ जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीटी में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए आगे फटाफट से देख लेते हैं, भारत में रेल मार्ग की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भारत में समतल स्थलाकृति, मंद ढाल, उच्च कृषि उत्पादकता और जनसंख्या घनत्व के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र में इसका रेलवे परिपथ का सबसे ज्यादा संकेंद्रण है, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्र। टोटल कितने जोन है, 17 जोन है। अब जोन का मुख्यालय कहाँ है आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड एक कोडिंग बना के आप लोग को याद करा दूंगी। मुझे जितने स्टूडेंट्स का अगर कमेंट आएगा कि मुझे वो कोड के साथ याद करना है, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर जोन पे यहाँ डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद और जो क्वेश्चन आए हुए, रेल कोच फैक्ट्री, इसका भी आप कोड बना के याद कर सकते हैं, कोच, कोच में कपूर जला दिए यानी कि कपूर थला,
ठीक है। इसके अलावा भारत में विद्युत इंजन का निर्माण, तो इंजन विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन, ठीक है। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का, डीजल का कहां पर होता है? वाराणसी यानी कि बनारस। तो ये हो गया आपका विद्युत चितरंजन और डीजल बनारस, ये याद कर लीजिए। बनारस में इतनी पतली पतली गलियां हैं कि वहां डीजल वाली गाड़ी चलती है, और चितरंजन में तो विद्युत वाली इंजन चलती है। इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत कोड बना के याद करेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में ऑटोमेटिक आपको क्लिक करेगा। फिर इसके बाद भाप इंजन कहाँ पे बनता है? तो ये है जमशेदपुर यानी कि टाटा। तो टाटा से याद रखिएगा कि भाप एक ऐसी चीज है जो हवा में उड़ते ही फिर निकलती है और फिर गायब हो जाती है, यानी टाटा कर देती है, यानी कि भाप टाटा में बनता है। बहुत ही सिली से कोड बनाने होते हैं, बट कोड ऐसा होना चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में चीजें स्ट्राइक कर जाए। बहुत ही यूनिक कोड बनाने के चक्कर में वो कोड बनाना बेकार हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? पेरम्बूर। ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। इसके बाद फेरी क्वीन क्या है? फेरी क्वीन क्या है? विश्व की सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है फेरी क्वीन, 1855। साल या साखू की लकड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, किस लकड़ी का? साल या साखू का। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत मुश्किल से मैंने ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही होगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और ऐसी वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है कोंकण रेलवे से, ठीक है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से होकर के गोवा के मडगांव तक जाती है, यानी महाराष्ट्र से गोवा, तो कर्नाटक के मैंगलोर स्टेशन पे समाप्त हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका तीन है, महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक, तीन स्टेट से, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, MGK। ये हो गया कोंकण रेलवे, रोहा मडगांव और मैंगलोर। भारत की प्रथम CNG ट्रेन की शुरुआत, इसको भी एकदम रट लीजिए, मेरी भाषा में बोले तो एकदम इसका रट्टाफिकेशन कर लीजिए आप। पहली CNG ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी से रोहतक, ठीक, 2015 जनवरी। अब लोग सोच रहे होंगे 2015 पुराना है, करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन जो चीजें पुरानी होगी वो ट्रेडिशनल में आने लगती हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा धूमन, धूमन प्रौद्योगिकी क्या है? तो CNG के ट्रेन के संचालन के लिए रेलवे ने धूमन प्रौद्योगिकी द्वारा इसको द्वि ईंधन में बनाया है। द्वि ईंधन क्या होता है? द्वि ईंधन यानी CNG और डीजल दोनों से जो चले, CNG प्लस डीजल दोनों से चलने वाली प्रौद्योगिकी को बोलते हैं द्वि ईंधन, धूमन प्रौद्योगिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा गुजरात में गांधीधाम टूना टेकरा रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली, तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली रेलवे लाइन कौन सी है गुजरात में? गांधीधाम टूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत, ये कौन से मॉडल पे? PPP मॉडल पे आधारित भारत का पहला रेलवे ट्रैक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला रेलवे ट्रैक जो PPP मॉडल पर है, गांधीधाम टूना टेकरा रेलवे लाइन जो रिमोट कंट्रोल के जरिए चलती है यानी गुजरात में, और ये कब शुरू हुआ? 2015 में, ठीक। उसके बाद अगला है, भारत में पहाड़ी क्षेत्र में कई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया जिसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया क्या है? ये है पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइनों का कलेक्शन। इसके अंतर्गत दार्जिलिंग आता है हिमालयन रेलवे, नीलगिरी आता है, कालका, माथेरान, ये चार जो है कंबाइंड जो होता है उसको माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपने सुना होगा इसका नाम, इसको याद भी कर लीजिए। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में कौन कौन से हैं? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान हिल स्टेशन। तो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत के आते हैं। 1999 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी है, ठीक है। फरवरी 2013 में रेल मंत्री जो थे पवन कुमार बंसल, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में
प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन किया? प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में 2013 में हुआ, ठीक। फिर नरेंद्र मोदी ने मेघालय में और असम के गुवाहाटी में किया, मेघालय असम। इस प्रकार अब टोटल पूरे नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है, सिर्फ कहां पर नहीं है रेलवे लाइन? सिक्किम में। तो हुआ ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो सिक्किम को छोड़ के भारत के सभी राज्यों में रेलवे का नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। भारत की प्रमुख रेलवे सुरंग, रेलवे सुरंग का अभी मैंने करंट अफेयर्स आपको बताया, में पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। पीर पंजाल रेल सुरंग सबसे लंबी जो है वो है। दूसरा अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बता दिया, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो बैक में जाकर के देखिए, ताकि आपका इसी बहाने रेलवे रिविजन हो जाए रेलवे से। इसके बाद आपका फिर है बुलेट ट्रेन से रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने किया, तो अभी अभी एक ट्रेडिशनल भी कर लेंगे। 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना शुरू की गई, इसका हेल्प किससे लिया गया? जापान से। और 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबी और नरेंद्र मोदी ने देश की पहली तीव्र गति रेल परियोजना बुलेट ट्रेन की नींव रखी, मुंबई से अहमदाबाद। कुल लंबाई 508 किलोमीटर। इसके लिए क्या बनाया गया? अभी मैंने आपको बताया था NHRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम संचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये हो गए आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रेलवे से रिलेटेड। अभी तक के पिछले 15 साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको सारे को कवर करके मैंने आपका रेलवे पूरा तैयार करा दिया। इससे बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, इतना पढ़ लीजिए तो रेलवे से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट करके मेरे सवालों का जवाब दीजिए, और चैनल पे नए यूजर है पहली बार विजिट किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर जाके क्लिक कर लीजिए, सारी वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। अब अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसी टॉपिक पे आपको सारा कवरेज कराऊंगी, ट्रेडिशनल प्लस करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक।